कारवां टीवी हर पल आपके साथ। शहीद स्मारक का विद्यालय में लोकार्पण। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप निरीक्षक स्वर्गीय श्री जमीर अहमद की स्मृति में उनके विद्यालय रहपुरा तहसील शेरगढ़ जिला बरेली में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री जमीर अहमद की पत्नी श्रीमती नूरजहां, उनके पुत्र सनाउल, उनकी पुत्री तथा परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस शहीद स्मारक का निर्माण 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दुचौर के पदाधिकारियों द्वारा कराया गया। शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पगरानी, स्कूल के हेडमास्टर श्री रूप किशोर गंगवार, पूर्व हेडमास्टर श्री महेश चंद्र शर्मा, दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र बरेली से श्री रविन्द्र मिश्रा, ग्राम सभा के सदस्य, स्कूल के बच्चे तथा 34वीं वाहिनी से श्री राजेश कुमार जोशी, द्वितीय कमान श्री सीताराम, उप कमांडेंट इंस्पेक्टर दीपक कांडपाल, उप निरीक्षक रोहित मावी तथा अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। स्वर्गीय श्री जमीर अहमद अरुणाचल प्रदेश के अलो में तैनात थे। अग्रिम चौकी पर अपनी ड्यूटी को मुस्ती से निभा रहे थे कि दिनांक 12 सितंबर 2020 को ड्यूटी के दौरान आप वीरगति को प्राप्त हुए। इस स्मारक के निर्माण से स्थानीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ तथा पूरे कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। श्री राजेश कुमार जोशी द्वारा श्रीमती नूरजहां को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के आने से स्थानीय नागरिकों और बच्चों में उत्साह का संचार हुआ। अपने संबोधन में श्री राजेश कुमार जोशी एवं डॉक्टर विनोद द्वारा शहीद परिवार के आश्रितों को हर संभव सहायता देने की बात कही। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।